सब्सक्राइब कीजिए दानिश फिल्म स्टूडियो चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें मेरी गेमिंग वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों स्वागत है आपका दानिश फिल्म स्टूडियो चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से प्रिंस ऑफ पर्सिया राइवल शॉर्ट्स गेम को अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करके खेल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा गेम है, इस गेम के ग्राफिक बहुत ही अच्छे हैं और ये गेम बिना किसी लैग के आपके फोन में वर्क करने वाला है। दोस्तों आपने नेट पर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम की, लेकिन उसमें बहुत सारी वीडियोज आपको फेक मिली होगी और मतलब आपको डाटा बहुत वेस्ट गया होगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपकी बिल्कुल रियल वीडियो है, इसमें आपको गेम बिल्कुल हाई ग्राफिक का मिलने वाला है, गेम बहुत ही अच्छा है और ये जो गेम है स्टोरी मोड है, मतलब बीच बीच में आपको स्टोरी देखने को मिल सकती है। आप जो स्क्रीन पर दोस्तों गेम प्ले देख रहे हो ये उसी का गेम प्ले है, तो मतलब बहुत ही अच्छा गेम है। आप खुद गेम को देख लीजिए और उसके बाद ही वीडियो को आगे देखिए कि इसे किस तरह से डाउनलोड करना है। ओके गाइस, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है जेड आर्चीवर। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास पहले से ही जेड आर्चीवर एप्लीकेशन होगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले जेड आर्चीवर को इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद उसे कर लीजिए ओपन। दोस्तों जेड आर्चीवर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा जो गेम है हम उसे भी इसी जेड आर्चीवर एप्लीकेशन की मदद से ही एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए जेड आर्चीवर एप्लीकेशन को करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आपने जहाँ डाउनलोड करके रखा अपने गेम को उस फोल्डर में चल जाइए। अगर आपने क्रोम से डाउनलोड कर रहे तो आपको डाउनलोड फोल्डर मिलेगा, अगर आपने यूसी प्रोसेस से डाउनलोड कर रहे आपको यूसी डाउनलोड फोल्डर मिलेगा। तो आप उस फोल्डर में चल जाइए जहाँ आपने डाउनलोड करके रखा है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस फोल्डर इस गेम को डाउनलोड करके रखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। याद रखिए गाइस आपको थर्ड वाले एक्सट्रैक्ट पर ही क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का आइकॉन आ जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो गेम है एक्सट्रैक्टिंग होने स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जब थोड़ा इसे एक्सट्रैक्टिंग होने देते हैं और वीडियो को कर देते हैं थोड़ा सा स्किप, क्योंकि इसमें लगेगा थोड़ा टाइम, एक से दो मिनट। तो दोस्तों एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फोल्डर जाएगा, प्रिंस ऑफ पर्सिया राइवल शॉर्ट्स। तो दोस्तों जो पुरानी वाली जिप फाइल थी जिसे हमने एक्सट्रैक्ट करा, तो आप पुरानी वाली फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ओके गाइस, मेरे जो पास स्टोरेज थोड़ा कम है तो इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ और वैसे किसी काम की भी नहीं है क्योंकि जो फोल्डर अभी हमारे सामने आया वो बस हमारे काम का है। अब आप इस फोल्डर में जाइए, अब आपको यहाँ बहुत सारी फाइल्स मिलेगी गाइस। इस फाइल्स के बीच में आप देख सकते हैं सब फाइल में नंबर है, ये तो आपको इसके बीच में या फिर लास्ट में कहीं भी आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें नंबर नहीं होगा। ओके गाइस, ध्यान से याद रखिए जिसमें नंबर नहीं होगा आपको उस पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट पर, जैसे अभी हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट करा था उसी तरह हमें इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो अब इसे हमें थोड़ा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जरा मैं वीडियो को कर देता हूँ स्किप। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे दोस्तों कंप्लीट होगा तो आपको स्लाइड अप करना है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक आईएसओ फाइल मिलेगी एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट होने के बाद। देख सकते हैं सबसे ऊपर एक आईएसओ फाइल मिलेगी जिसका साइज होगा 1.16 GB। तो सॉरी गाइस 1.18 GB। तो आप इसे कॉपी या कट कर लीजिए, कट कर लेते हैं। कट करने के बाद किसी दूसरे फोल्डर में पेस्ट करें, तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जो फोल्डर था आप उसे डिलीट कर सकते हैं क्योंकि जो आईएसओ फाइल है वो बस हमारी काम की है, बल्कि जो फोल्डर वोल्डर है वो हमारे कुछ काम का नहीं है। उसे आईएसओ फाइल को रहने देते हैं, उसके बाद प्ले स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं PPSSPP। जैसे आप PPSSPP सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इमुलेटर आ जाएगा। आप इस इमुलेटर को कर लीजिए इंस्टॉल और इसे कर लीजिए ओपन। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक रीसेंट का, एक दिख रहा होगा गेम्स का और एक दिख रहा होगा वन होम ड्रो एंड डोमोस। तो आपको गेम्स में जाना है, PSP के मतलब जहाँ पर भी आपने आईएसओ फाइल को रखा है, तो हमने PSP फोल्डर में रखा था। तो ये रहा हमारा PSP फोल्डर, अब हम इस फोल्डर में चल जाते हैं। यह हमने गेम फोल्डर में रखा था, तो ये देख सकते हैं ये रही वो हमारी आइकॉन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो गेम हो जाएगा प्ले। ओके गाइस, तो देख सकते हैं बिना किसी लेग के जो हमारा गेम है वो वर्क कर रहा है। तो यही कुछ था गाइस इस वीडियो में और हम फटाफट से चलिए इस थोड़ा बहुत स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे मोड मिलेंगे आपको, मल्टीप्लेयर, न्यू गेम, कंटिन्यू ऑप्शंस, मतलब। तो यहाँ न्यू गेम करके मैं इसे इजी पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। हार्ड पर सिलेक्ट करूँ तो ऑब्वियसली आपको बताते मर जाऊँगा मैं। तो ईजी पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं स्टोरी मोड पे हमारा जो प्ले हो चुका है, तो ये गेम हमारा प्ले हो चुका है। और ग्राफिक आप देख सकते हैं गाइस, ग्राफिक बहुत ही अच्छे हैं इस गेम के। और ये देख सकते हैं ये रहा हमारा प्रिंस ऑफ पर्सिया जो हमारा प्लेयर है, और ये कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल सकता है।
तो चलिए गाइस, अगर दोस्तों आपके फ़ोन में जो गेम है ये लैग करता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक वीडियो प्ले हो जाएगा जो कि मेरा ही वीडियो है। उस वीडियो को आप देख के खेल समझ सकते हैं, मतलब अगर आपके फ़ोन में लैग कर रहा है तो आप उस वीडियो को देख के अपने जो लैग है उसे फिक्स कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा गेम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी आप जो स्टोरी मोड देख रहे थे आप सोच रहे होंगे स्किप क्यों गया, कि दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने आपको सीधा गेम प्ले पर ला दिया। ओके गाइस, मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आपको सीधे गेम प्ले पर ला दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गेम बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है बिना किसी लैग के, और ग्राफिक इस गेम के हमें बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही पीसी एंड एंड्रॉइड की गेमिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।